प्रेशर एनर्जी का कंसेप्ट आप इट स्टार्ट कर रहे थे लास्ट टाइम, प्रेशर एनर्जी, ठीक है जी। प्रेशर एनर्जी में लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है बेटा, वो उस लिक्विड कॉलम की पोजीशन, उसकी हाइट, उसकी वजह से कितना प्रेशर जो है लिक्विड एग्जर्ट करता है, दैट वी मे बी काउंटिंग एज द प्रेशर एनर्जी। लेकिन इससे पहले कि हम किसी भी तरीके से इसको डिफाइन करें, थोड़ा सा हमें इसको समझना चाहिए बेटा। एक आप बीकर इमेजिन करिएगा, और इस बीकर में हमने लिक्विड अरेंज करके रखा हुआ है। लेट दिस बी द बॉटम ऑफ दिस कंटेनर, और इसके साथ आपने एक बेटा पिस्टन कुछ इस तरीके से मैनेज कर रखा, और इसमें आपने ये लिक्विड पानी भी आप इमेजिन कर सकते हो फिल करके रखा हुआ है, दिस इज ऑल वाटर। और ये आपने एक आउटलेट या पाइप कह लो लगा रखा है, यहां पे आपने एक पिस्टन लगा दिया एस, दिस इज द पिस्टन यू हैव अटैच्ड। इतना हाइट है आपके लिक्विड कॉलम का, इस हाइट की वजह से बेटा आपका लिक्विड जो है वो बॉटम पर और वॉल्स पर कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा। द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन द कंटेनर, दैट लिक्विड बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस विल बी एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन द कंटेनर, और एज होल उस लिक्विड के पास इस प्रेशर कंटेंट की वजह से कोई प्रेशर, सिर्फ प्रेशर की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम प्रेशर एनर्जी बोलेंगे। अब हम इसको काउंट कैसे करें, इसको वर्कआउट कैसे करें, इसके लिए आपके हाथ में पिस्टन है, आपको पिस्टन प्रोवाइड किया गया है। यहां पे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए कह सकते हैं इस पर्टिकुलर पिस्टन के लिए। अब आपने क्या किया कि बड़े ही स्लोली इस पिस्टन को अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया, और जब आप इस पिस्टन को इंसर्ट करोगे, यू विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स, यू विल हैव टू इवन आई कैन से अप्लाई सम प्रेशर, और इवन यू मे बी हैविंग सम वर्क डन ओवर हियर बाय यू। और इमेजिन करिए आपका पिस्टन यहां पे पहुंच गया, आपने जब इसको फोर्स अप्लाई किया तो आपका पिस्टन इतना डिस्टेंस, मान लीजिए ये डिस्टेंस डी एक्स के बराबर है, इतना अंदर की तरफ आ रहा है, और यहां से हम इस सैंपल से अपनी प्रेशर एनर्जी को थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर से बेटे एक बार देखिएगा, मैथमेटिकल टर्म्स में देखिएगा, आप जानते हैं प्रेशर जो होता है, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने कितना फोर्स अप्लाई किया पिस्टन को इनवर्ड मूव करने के लिए, दैट इज प्रेशर एग्जर्टेड इनटू एरिया आ जाएगा बेटा। और आपको कुछ वर्क भी करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू चाहे थोड़ा ही हो बेटा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स होता है। और आप ये वाली वैल्यू फोर्स की यहाँ पे यूज कर सकते हो, और आपके पास वर्क डन आ जाएगा, इट विल बी पी ए डी एक्स आ जाएगा बेटा। निधि बेटा ए इंटू डी एक्स कहीं देखा देखा लग रहा है, कहां देखा है, वट वी कैन कॉल दिस हरमन, ए इंटू डी एक्स। दिलजीत definitely volume it will be, and we will be calling it as dv, right? बिल्कुल ठीक बेटा, dw is equal to pdv कर देते हैं हम। dv इतने volume को आपने बोला है जो liquid का आपने insert कर दिया tank के अंदर further after applying the pressure p। अब आपका ये जो वर्क डन है ये प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में बेटे स्टोर हो जाता है लिक्विड के पास। सो दिस वर्क डन
gets stored as प्रेशर एनर्जी। थोड़ा और अगर हम डिस्कस करें आगे इस प्रेशर एनर्जी के रिगार्डिंग, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास भी हम जैसे निकाला था कल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, वी कैन वर्क आउट दैट आल्सो बेटा। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास इट विल बी इक्वल टू द प्रेशर एनर्जी, आपके पास पी डी वी है, और मास इतने लिक्विड कॉलम का बच्चों कितना होगा, एनी वन फ्रॉम योर साइड, इस लिक्विड कॉलम का इतना कंटेंट जो है लिक्विड का पड़ा हुआ, इसका कुछ मास होगा ना बेटा, व्हाट दैट विल बी इक्वल टू ए डी एक्स इंटू रो, ए डी एक्स को हमने क्या बोला था, डी वी, वेरी राइट। सो इट विल बी रो डी वी लिख दू मैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो डीवी से डीवी आपका कैंसल आउट हो जाएगा। सो बेटा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास जो है ये आपके पास पी अपॉन रो के बराबर निकल आती है। ये फिगर हमें चाहिए होगा आगे चलकर, इसीलिए हमने पर यूनिट मास इसको डिस्कस किया है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सो अब हम अगर डेफिनेशन की तरफ भी सोचें, the energy possessed by the liquid by virtue of the work done on this part of the liquid, or the energy possessed by the liquid because of the pressure it is exerting on the bottom or the sides of the container is termed as the pressure energy. So in this way bete aap is energy ko samajh sakte ho. Haan ji bete, nahi raise nahi karta main, आप देख लीजिए कोई आपको पॉइंट इसमें लगता है तो आप जरूर पूछिए, अदरवाइज फिर हम आगे बर्नौली थ्योरम स्टार्ट करें। और बर्नौली थ्योरम एक आपका ऐसा आर्टिकल है, ये 5 मार्क्स में भी आता है, 3 में भी आता है, अगर ये ना आए तो इसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर आती है, और इसका न्यूमेरिकल भी हम ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं, तो यू आर टू बी very much careful while studying that part. Karin sir. So, bachcho, aaiye, likh lijiye heading Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem kya kehti hai hume? Aaiye, samjhe, sochye, dekhe. Bernoulli's theorem. मैं स्टेटमेंट पहले लिख देता हूं फिर हम आगे चलते हैं बेटा। बर्नौली थ्योरम जो है बेटे, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी for the streamline flow of a liquid through a pipe is always constant. ये क्या इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिख दी है, क्या मतलब है इसका, आओ बच्चों समझे इसको। तीनों टाइप की एनर्जी हमने कलेक्ट की, कंबाइन कर ली, प्रेशर पोटेंशियल एंड काइनेटिक, ये दोनों आपने कल कर ली थी, प्रेशर वाला आपने अभी अभी किया है लेटेस्टली। इनका जो सम होता है आपके पाइप के थ्रू, अगर कोई लिक्विड जो है फॉर द फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा तो फिर देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन। अगर आपका लिक्विड स्ट्रीमलाइन वे में फ्लो कर रहा है तो उसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप टोटल एनर्जी की जगह पर इनको बाइफरकेट करके लिख दें, दैट इज आल्सो इक्वली एप्लीकेबल, इट्स अप टू यू, राइट बेटा। अब एक मिनट के लिए पहले डायग्राम देख लीजिएगा, बाद में बनाना। इमेजिन करिए आपके पास एक वेरिंग क्रॉस सेक्शन का पाइप है दिस वे, और ये कुछ इस तरीके का पाइप,
थोड़ा बड़ा बनाओगे तो आप अच्छे रहोगे, अदरवाइज फिर नहीं तो कई बार थोड़ी सी कई बार दिक्कत फेस करनी पड़ जाती है। लेट इट बी द पाइप हैविंग वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड आई होप यू आर सीइंग द वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट बेटा। इसमें ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको बेटे A1 कह देते हैं, देखने में बड़ा लग रहा है ये। अब आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इस एरिया को आप A2 कह देते हैं, दोनों ओपन एंडी हैं, क्लोज नहीं है दोनों। और यहां से लिक्विड आपने एंटर करवा दिया विद वेलोसिटी V1, और यहां से लिक्विड आपका बाहर आएगा विद वेलोसिटी V2। बेटा कल हमने बात की थी कि आपका जो नॉन विस्कस लिक्विड है जब ये फ्लो करता है तो ये डेंसिटी अपनी मेंटेन करके चलता है। इट विल मीन दैट जितनी डेंसिटी यहाँ पे है लिक्विड की डेंसिटी उतनी यहाँ पे भी होगी बेटा। और आप फर्दर मोर इमेजिन कर लीजिए, ये आपका ग्राउंड लेवल है बच्चों ये, और ग्राउंड लेवल से यहाँ पे सेंटर ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया की हाइट H1 के बराबर हमने इमेजिन करी, राइट बेटे, सेंटर तक। और ऐसे ही यहाँ आपका जो हाइट है लेट इट बी इक्वल टू H2 बेटा। और आपका लिक्विड तभी फ्लो करेगा अगर आपका यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड P1 जो है अगर ये इस प्रेशर से ज्यादा होगा, नहीं तो लिक्विड नहीं फ्लो करेगा। अगर आप यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रखोगे तभी जाएगा लिक्विड, नहीं तो नहीं जाएगा, सिंपल। अब हम बेटे बात करें अगर एंड लोअर जो है इसका एंड X नाम रख लेते हैं, XY एंड इनका नाम आप रख सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस। इस एंड को आप X एंड कह दो, इस एंड को आप कह दो वाई एंड। एट एक्स एंड लेट अस स्टडी क्या हो रहा है। आपने कल बात की थी, पहले थोड़ा पर्टिकुलर्स के बारे में देख लें। ये एक्स एंड है, ये वाई एंड है। एक्स पे प्रेशर P1, यहां पे प्रेशर P2। एक्स पे लिक्विड का एंट्री पॉइंट पे वेलोसिटी V1, एग्जिट पॉइंट पे V2। एक्स पॉइंट का हाइट H1, इसका हाइट H2 फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, डेंसिटी ρ1, डेंसिटी ρ2, और दोनों डेंसिटीज आपकी बराबर की, कोई चेंज इसमें नहीं, राइट बेटा। एंड एक्स पे अगर हम थोड़ा सा और अपना ये वर्क डन वगैरह निकालने की कोशिश करें या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इमेजिन कर लीजिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स एंड पे आप जानते हैं A1 V1 इंटू रो, ये आपको दे देता है मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है, क्यों बढ़िया, ये वॉल्यूम बन गया ना पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग, और एंटरिंग ही कहेंगे और नहीं कहीं कुछ भी कहेंगे, एंटरिंग एट पॉइंट एक्स पर यूनिट टाइम, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया मास आ गया। सो ये मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम या पर सेकंड भी कह सकते हैं। और ऐसे ही बच्चों यहां पे A2 V2 ρ, दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड लीविंग पर सेकंड। और बच्चों आप जानते हैं अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वहां पे लिक्विड थोड़ा कंज्यूम होने लग जाएगा या और नया बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आई इन द साइंटिफिक लैंग्वेज जस्ट मीन टू से दैट देयर इज नो सोर्स और सिंक फॉर द लिक्विड और द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर ट्यूब ऑफ वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो रो को हम इस तरफ एडजस्ट कर सकते हैं, है ना बेटा। सो आपके पास आ जाएगा A1 V1 इज मास पर यूनिट डेंसिटी, इसको हम बी कह देते हैं, और इधर A2 V2 इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेट इट बी अगेन बी। अब आप अगर वर्क डन की बात करें इस पॉइंट पे आपने कितना वर्क किया, W मैं 1 कह देता हूं, इट इज बेटे P, प्रेशर कितना आपने अप्लाई किया है एंड द डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू V1। डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड V1 ही होगा ना बेटा। और डियर चिल्ड्रन ये मैं प्रेशर के लिए जनरल फॉर्मूला लिख रहा था,
प्रेशर वैसे यहां पे कितना था आपका, पी वन था, तो इट विल बी पी वन इंटू वी वन आ जाएगा, और पी वन प्रेशर फोर्स इंटू एरिया ए वन इंटू वी वन, आप कुछ इस तरीके से कह सकते हो बेटा, है ना बेटे। सो आप इस तरीके से बेटा इन वर्क डन को समझ सकते हो। देर इज स्टिल अनदर वे, आपका जो वर्क डन होगा यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू पी वन प्रेशर अप्लाइड, और ये आपके पास वॉल्यूम एस एच पड़ा ही है, आप इसको भी यूज कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड ही है ये आपका, आप इस तरीके से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स बेटा आई जस्ट मीन टू से दैट कि आप जितना भी वर्क परफॉर्म कर रहे हो, ये आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए था सिंपली। यहां पे आपने वर्क किया डब्ल्यू वन, यहां पे हाइट ज्यादा है, वर्क डन ऑब्वियसली इसके बराबर नहीं होगा बेटा, तो ये वर्क डन आपका जो है पी वन इंटू वी, और यहां पे पी टू इंटू वी, ये वाला वी इसकी बात कर रहा हूं, इनके बराबर होगा, और इनका जो फर्क होगा बेटे दैट विल बी द नेट वर्क डन। सो वी कैन से दैट कि आपने नेट कितना काम किया है लिक्विड के फ्लो को मेंटेन करने के लिए या लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए, दैट इज द वर्क डन पी वन बी माइनस यूर बेटा पी टू इंटू वी। अब आप हाइट एच पे देखिए, इस वाई पॉइंट पे रादर, यहां पे बेटे आपके लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m²v² के बराबर की है बेटा। अच्छा मुझे ये बताइए v2 ज्यादा होगा कि v1 ज्यादा होगा बेटा, क्यों? वेरी नाइस, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज टू बी यूज्ड एज सच। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी वाई एंड पे है और एक्स एंड पे काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1v1 का स्केयर, एम रहने देते हैं, मास तो नहीं वेरी करेगा। सो आपका नेट गेन इन द काइनेटिक एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ दिस वर्क डन कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू योर 1/2 m v2 का स्केयर, 1/2 m v1 का स्केयर, इतनी काइनेटिक एनर्जी आपने गेन की। क्यों गेन की? क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं, आप सिंपल एक अदरवाइज बात कर लें, अगर लिक्विड कोई भी तभी फ्लो करेगा अगर आप वर्क करोगे, अगर आप वर्क ही नहीं कर रहे तो लिक्विड तो आराम से वहां पे जिस जगह पे है वो वहां पर ही इंटैक्ट ही रहेगा, और यहाँ फिर तब फ्लो करेगा अगर उसके पास कोई एनर्जी है ऑलरेडी। जैसे कई बार आपने लिक्विड को हाइट पे रखा हुआ है तो दैट लिक्विड विल बी पोजेसिंग प्रेशर एंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑन दैट अकाउंट द लिक्विड में स्टार्ट फ्लोइंग इन द लोअर स्लोप्स, हाइट से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, और अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी या आप कोई भी एनर्जी की बात कर लो अपने आप तो नहीं जनरेट होगी, एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है। तो जितना आप वर्क करोगे वो वर्क ही आपकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी में भी, पोटेंशियल एनर्जी में भी, प्रेशर एनर्जी जैसे आपने देखा था। सो इसके साथ ही साथ बेटे मैं पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स भी लिखता हूँ, आइए जरा देखें। MgH2, यहां पे लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और MgH1 ये पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा जी इस पॉइंट पे। इसको समझने के लिए आप बेटे, आपने अभी अभी प्रेशर एनर्जी का कंसेप्ट किया था, आपने वहां पे कहा था वर्क डन आपका PdV के बराबर बोला था, और dV को V से रिप्लेस करके आप SH भी इसको अपने माइंड में रख सकते हैं। यहाँ पे आपका टोटल जो है वो डीवी नहीं है, दैट इज वी टर्म हमने इंटीग्रेट कर दिया या हमने टोटल ले लिया, आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। अब बेटे देखो, इस वर्क डन की कॉस्ट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूड और द लिक्विड में डियर चिल्ड्रन इतना चेंज आ गया, इतना राइज आ गया, इतना इंक्रीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वर्क डन को इन दोनों के सम के बराबर कर देंगे, हमारा सारे का सारा सिस्टम अपने आप सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों करेंगे ऐसा, रीजन क्या है? क्योंकि ये दोनों एनर्जीज आपकी इस वर्क डन की कॉस्ट पे ही आ रही हैं, अदरवाइज तो नहीं आ पाएंगी बेटा। तो आइए
शुड आई रब दिस वर्ड? सो वी विल से दैट बेटा आपका जो वर्क डन था, नेट वर्क डन था रादर, दैट इज पी वन इंटू वी, है ना बेटा, माइनस पी टू इंटू वी, चेक करिएगा कोई टर्म कम या ज्यादा ना हो जाए, इट इज वन बाई टू एम वी टू का स्केयर माइनस वन बाई टू एम वी वन का स्केयर प्लस एम जी एच टू एम जी एच वन, चेक करिएगा और बताइएगा कोई टर्म कम या ज्यादा ना हो जाए, राइट? सबस्क्रिप्ट वन जिन जिन टर्म्स के पास है उनको एक तरफ इक्वालिटी साइन के आप एडजस्ट कर लीजिए, जिनका सबस्क्रिप्ट टू है इनको दूसरी साइड पे कर लीजिए। आइए देखिए, ये टर्म नेगेटिव है इधर, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनको उठाकर इधर ले आते हैं, तो वी विल हैव पी वन इंटू वी प्लस वन बाई टू एम वी वन का स्केयर प्लस एम जी एच वन, इट इज इक्वल टू पी टू इंटू वी, इसको उधर ले गए हम, प्लस वन बाई टू एम वी टू का स्केयर प्लस एम जी एच टू, चेक करिएगा जरा, साथ साथ देखते जाइएगा। चले आगे, अब हाँ जी, नहीं नहीं कर देते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं। आप पहले ये तो देखो कि आप ऐसे करिए, पर यूनिट मास हमने किया था सारा कैलकुलेशन, तो पर यूनिट मास में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, फिर बाकी बाद में देखते हैं। P1 अप इनटू V अपॉन M कर दें, मास से मैं डिवाइड करता हूं थ्रू आउट दोनों तरफ, इट इज वन बाई टू एम वी वन का स्केयर अपॉन एम आ जाएगा प्लस एम जी एच वन अपॉन एम आ जाएगा, इट इज पी टू इंटू वी अपॉन एम आ गया बच्चों, एंड इट इज वन बाई टू एम वी टू का स्केयर अपॉन एम प्लस एम जी एच टू अपॉन एम। जरा चेक करके बताइएगा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, हो जाएगा, है ना बेटे? यस, फिजिबल है। तो आप अब रब कर दूं कि रुक जाऊं? अब हम बेटे थोड़ा सा ये देखिए, M को आप एडजस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे, और एक स्टेप और अगर स्टिल आगे चले जाएं, ध्यान से देखिएगा जरा, P1 अपॉन मास ओवर वॉल्यूम कुछ ऐसे बात बनती है प्लस वन बाई टू वी वन का स्केयर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, प्लस वन नहीं आएगा जी एच वन, दिस इज इक्वल टू पी टू अपॉन एम अपॉन वी प्लस वन बाई टू वी टू का स्केयर प्लस जी एच टू इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, या ऐसे कह देते हैं हम कलेक्टिवली कि आपका जो ये डिनोमिनेटर है, ये डेंसिटी है, रो है, पी वन अपॉन रो प्लस वन बाई टू वी वन का स्केयर प्लस जी एच वन, दिस इज इक्वल टू पी टू अपॉन रो प्लस वन बाई टू वी टू का स्केयर जी एच टू, ये रब कर दू था लास्ट वाला लाइन बेटे। मैं अब इक्वेशन को थोड़ा कन्फाइन कर रहा हूं, बार बार सबस्क्रिप्ट क्यों लिखना, आप सीधा ऐसे कह दीजिए, पी अपॉन रो प्लस वन बाई टू वी का स्केयर प्लस जी एच, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह दें, है ना बेटा, यही आपको प्रूव करना था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, इनका सम कांस्टेंट के बराबर आ गया, अल्टीमेटली आपको यही शो करना था। एक स्टेप हम सिल आगे जा सकते हैं कि अगर आप जी से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, कई बार आपकी आपको कुछ पूछा जाता है समथिंग लाइक दैट आल्सो, ये लाइन में रब कर रहा हूं टॉप वाली, ध्यान दीजिएगा,
मैंने ना जी जो आपका इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो इससे डिवाइड कर रहा हूं, इससे हमारे पास आएगा पी अपॉन रो जी प्लस 1/2 वी स्केयर अपॉन जी, या वी स्केयर अपॉन 2 जी कर लो, 1/2 वाला रहने दो, लेट इट बी सिंपली वी स्केयर अपॉन 2 जी ऐसे लिख लीजिए, प्लस एच दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट इज एन अदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन और थ्योरम। और इसमें खास बात क्या है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हेड कहलाता है, ये काइनेटिक एनर्जी हेड कहलाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी हेड कहलाता है। ये हेड टर्म इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ये आपका सिंपली एक ही इसका डायमेंशन है, लेंथ वाला ही डायमेंशन आ जाता है। दिस टर्म इज कॉल्ड बेटा प्रेशर एनर्जी हेड, राइट जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी हेड, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी हेड। ये टर्म्स याद रखना बेटा, कई बार आपको एग्जामिनर कह देते हैं कि प्रूव कर दीजिए कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी हेड काइनेटिक एनर्जी हेड, मतलब पूछा जा सकता है आपको, यू हैव टू बी केयरफुल। अब बेटे ये तो बात हमारी थी कि चलो आपका पाइप वेरिंग क्रॉस सेक्शन का है, हाइट भी दोनों लेवल्स का अलग अलग है, अगर आपका हाइट दोनों लेवल्स पे सेम हो जाए देन हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर आपका H1 H2 के बराबर हो जाएगा, आइए थोड़ा सा आपको मैं और आगे ले चलूं इस इक्वेशन में। बेसिकली हमारा इक्वेशन बना था P₁/ρ + 1/2 वी स्केयर 1 का स्केयर जी H1, इट इज P₂/ρ + 1/2 V₂ का स्केयर जी H2, यहां से बना था हमारा इक्वेशन। अगर कहीं आपका H1 H2 के बराबर हो जाए, आपने पाइप को पकड़ा सीधा कर दिया बिल्कुल ग्राउंड लेवल के, बिल्कुल ये दोनों एंड्स पैरेलल हो गए, तो H1 H2 के बराबर हो गया, उस केस में देखिए ये वाली टर्म आपकी जो है इस टर्म के साथ डायरेक्टली खत्म हो गई, कैंसल आउट हो गई, राइट और नॉट राइट, तो ये मैं रब कर रहा हूं अब, ठीक है जी। तो वी विल बी लेफ्ट विद द इक्वेशन दैट P₁/ρ + V₁ का स्केयर/2 दिस इज इक्वल टू P₂/ρ + V₂ का स्केयर/2, ये आ गया जी, V₂ आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ जनरल लिख लो आप P₁/ρ + ½ V₂ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट बेटे। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, आपके पास 3 की जगह पर अब 2 टर्म्स ही बची हैं, इट इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड डायनेमिक प्रेशर, द सम ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रेशर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर द स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इन ए ट्यूब विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, बेटा फिर से ध्यान से सुनिएगा, दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी पुट इन द थ्योरी फॉर्म दैट द सम ऑफ द स्टैटिक प्रेशर एंड द डायनेमिक प्रेशर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर द स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड थ्रू ए पाइप हैविंग बोथ द एंड्स एट द सेम हाइट, और हॉरिजॉन्टल पाइप आप कह सकते हो, जो ये बात लिखी है हमने इसको थ्योरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और कुछ भी नहीं, इसको आप स्टेटिक प्रेशर, इसको आप डायनेमिक प्रेशर कहते हैं, ये बात याद रखनी है। अब मुझे एक बात और बताइए, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप में अगर आपका किसी जगह पर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी को क्या हो जाना चाहिए, इन दोनों का सम कांस्टेंट है, इन दोनों का सम कांस्टेंट है, अगर ये टर्म बड़ी हो जाएगी, स्टैटिक प्रेशर अगर बढ़ गया तो डायनेमिक प्रेशर को कम होना चाहिए, अगर ये बढ़ जाएगी तो इसको कम हो जाना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा आगे चलकर एनालाइज करके आगे डिस्कशन करेंगे बेटा, राइट बेटे, चलें आगे जी।
सो ये आपका बेटे बर्नौली थ्योरम था, इसको आपने आज सारे स्टूडेंट्स ने एक बार जाके लिख के देखना है। नया हेडिंग लिख लीजिएगा, फिर हम बस करते हैं। नया हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम, बाकी कल कर लेते हैं। थैंक यू ऑल बेटे।